अब हमने चूंकि शुरू में डिस्कस किया था कि बेसिक क्वांटिटीज में एनर्जी भी है, तो अब हम दोबारा ये हमने डिस्कस किया और दोबारा हम इसको रिव्यू करते हैं। एनर्जी और वोल्टेज का आपस में ताल्लुक है। एनर्जी गेन या लूज हो तो वोल्टेज वोल्टेज एग्जिस्ट करेगी। अगर हम चार्जेस को सेपरेट करते हैं, यूजली जो डीसी बैटरी है गाड़ियों की या सेल्स हैं उसमें ये वर्क डन जो होता है या एनर्जी वोल्टेज क्रिएट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस केमिकल रिएक्शन जो है वो ये काम कर रहा होता है, और जब वापडा या एसी सप्लाई में देखें तो ये वर्क डन जो है ये जनरेटर कर रहा होता है। सो वी नो, वी ऑलरेडी नो दैट वोल्टेज इज़ द मेजर ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो चार्जेस मूविंग बिटवीन पॉइंट्स विद डिफरेंट वोल्टेजेस चार्जेस या एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे या एनर्जी रिलीज करेंगे। सो इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है जब चार्जेस मूव करते हैं। तो जैसे कि ये एग्जांपल है, ये एक बैटरी का सिंबल है। हम ये सिंबल नहीं इस्तेमाल करते क्योंकि बैटरी जो है वो हमारे लिए जो बैटरी का सिंबल है वो एक्चुअली हम प्लस को एक बड़ी लाइन से शो करते हैं, माइनस को छोटी लाइन से। और यूजली अगर मल्टीपल सेल्स हों तो फिर यूज़ कर सकते हैं। कार बैटरी यूजली मल्टीपल सेल्स होते हैं इसलिए ये इस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगल बैटरी जैसे ये तो इसके लिए हम प्लस माइनस यू करेंगे, ये सिंबल इस्तेमाल करें। ये सिंबल स्विच का है और साथ एक एरो भी लगा होता है कि स्विच को इस डायरेक्शन में मूव करें जैसे कि ये, तो ये काम होगा इस सर्किट के साथ। तो ये बल्ब जो है वो ऑन हो जाएगा या लाइट है, जिस जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो करंट में फ्लो ऑफ चार्जेस में और फिर यहाँ पे केस लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो जो सर्किट है उसमें जो बैटरी जो एनर्जी स्टोर्ड है बैटरी के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है लाइट के अंदर अगर आप यहाँ पे स्विच ऑन करें। तो इसमें अगर आप देखें तो हम ये कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो फर्स्ट करें पॉजिटिव साइड है, सो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे और ये प्लस माइनस साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हम कैसे आए ये हम बाद में बात करेंगे। बैटरी की पोलैरिटी फिक्स होती है, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते, इसलिए वो ये बैटरी की पोलैरिटी तब्दील जनरेटर के केस में होती है कि वो 50 साइकिल्स यानी हर सेकंड में 50 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब ये है कि 50 दफ़ा जो है वो अपनी पोलैरिटी तब्दील करता है, यानी एक साइकिल में वो प्लस माइनस या माइनस प्लस हो जाएगा, फिर दूसरे साइकिल में फिर यही रिपीट होगा और इस तरीके से 50 टाइम्स वो अपना पोलैरिटी जो है वो तब्दील करता है। और पोलैरिटी तब्दील होने से डायरेक्शन भी तब्दील होती है करंट की, तो इसीलिए एसी करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, कभी एक डायरेक्शन में एक ही साइकिल में 50 दफ़ा वो अपनी डायरेक्शन तब्दील करता है। सो यहाँ पे ये बात कर रहे थे जब पॉजिटिव चार्ज, ये हमने पहले बात की है कि प्लस और माइनस का क्या मतलब है। अगर ये वोल्टेज है तो प्लस वोल्टेज के लिए ये पोलैरिटी हम लगाते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जब हाई से लो की तरफ जाएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करेगा इस बल्ब को, यानी इसका मतलब है कि वो एनर्जी लूज करेगा या एनर्जी कन्वर्ट करेगा। तो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू एनर्जी, सो एनर्जी एनर्जी एक्चुअली कंज्यूम हुई है, तो जबकि और ये एनर्जी लूज करेगा और वही चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आएगा वापस। तो बैटरी जो है क्या करती है, वो जो केमिकल रिएक्शन है वो चार्ज को मूव कराता है लो से हाई, तो वो एनर्जी गेन करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी इज रिलेटेड टू चार्ज फ्लो। और वो क्या है, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड जो वर्क डन इज एक्चुअली एनर्जी, एनर्जी इज वी इंटू क्यू। वही बात लैंप जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी जो है वो एक्चुअली ट्रांसफर होगी है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वोल्टेज इज अ मेजर ऑफ एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चार्ज इज मूविंग बिटवीन पॉइंट्स विद डिफरेंट वोल्टेजेस, different voltage absorb or release energy. So let's come to this point here. What energy is required to move 120 coulomb from point B to A in the circuit? I mean voltage DVA, so obviously we have the formula work done per unit charge.
हमने एनर्जी भी दी हुई है, सो दिस इज एनर्जी, सॉरी व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी मालूम करनी है, सो दिस इज द अननोन, चार्ज दिया हुआ है और वोल्टेज दी हुई है, सो वी कैन सी हियर वी हैव टू फाइंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, प्रोडक्ट मालूम करना है, वी इज 2 वोल्ट्स, वी चार्ज इज 120 कूलम, सो दिस इज 1240 जाऊ, सो वर्क डन इज जो एनर्जी रिक्वायर में वाले साहब जो चाहिए थी वो इतने चार्जेस मूव किए हैं पॉइंट बी से ए की तरफ, तो एनर्जी जो है वो गेन हुई है, सो दिस इज द गेन इन एनर्जी। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं, 5 जाउल्स ऑफ एनर्जी आर अब्सॉर्ब बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन मूव फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, यानी बी से ए की तरफ हम जा रहे हैं इन 1 सेकेंड, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, 5 जाउल ऑफ एनर्जी आर अब्सॉर्ब्ड, गेन एज वेल टू बी मोर स्पेसिफिक आई विल यूज गेन, 5 जाउल ऑफ एनर्जी इज गेन बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन मूव फ्रॉम बी टू ए, तो जाउल्स पर कूलम, एक 5 जाउल्स है और एक कूलम चार्ज पे आपने वर्क डन किया, सो दैट इज एक्चुअली वोल्टेज, सो यू कैन से दैट इज द 5 वोल्ट्स, तो चार्जेस मूव कर रहे हैं ऊपर प्लस, तो जब चार्जेस एनर्जी गेन करते तो लो से हाई की तरफ जाते, दैट इज द पॉइंट हियर, सो दिस इज 5 वोल्ट्स, और पॉइंट कौन सा हाई है क्योंकि लो से हाई की तरफ गया, तो दिस इज 5 वोल्ट्स एंड दिस इज हाई, सो दिस इज VAB इज इक्वल 5 वोल्ट्स, सो दिस इज प्लस दिस इज माइनस, और ये साइन आप देख सकते हैं। अ कैमकॉर्डर बैटरी प्लेट, बैटरी जो है वो क्लेम करती है इस कैमकॉर्डर की कि इसकी कैपेसिटी जो है, दिस इज एम्पेयर आवर लिखा होता है, दैट इज एक्चुअली द कैपेसिटी, तो ये कार बैटरी भी जो है वो आप जब परचेज करते हैं तो वो 200, अगर 200 एम्पेयर है तो इसका मतलब 200 एम्पेयर आवर है, इसका मतलब ये है कि 200 एम्पेयर आपको देगी एक घंटे में, अगर आप 100 एम्पेयर लेंगे तो 2 घंटे, ऑब्वियसली आप जितना करंट कम करेंगे, फर्ज करें 10 पे डिवाइड कर दें तो ये 20 एम्पेयर आता है, तो इसका मतलब 10 घंटे आप चला सकते हैं पर 10, 10 एम्पेयर हो फर्ज करें 10 पे डिवाइड कर दें तो ये 20 आ जाता है, तो 20 एम्पेयर आप यूज़ कर सकते हैं 10 घंटे के लिए। एनी हाउ ये कह रहा है कि देख लेंगे वो पूरा चार्ज उसके अंदर एनर्जी, टोटल एनर्जी और टोटल चार्ज कितना है, एनर्जी और चार्ज, तो ऑब्वियसली हम पहले क्योंकि चार्ज दिया हुआ है तो, और दूसरी जो चीज़ दी हुई है वोल्टेज दी हुई है, तो हमें पता है कि एनर्जी वोल्टेज इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड चार्ज रेशो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विच इज वर्क डन ऑन चार्ज, नॉट अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी और वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली पावर, द नोटेशन, ये नोटेशन दी हुई है, हम अगर इसको एम्पेयर को मिली यहाँ पे आ गया मिली, ये एम्पेयर की यूनिट, एम्पेयर जो है उसकी सब यूनिट कूलम्स पर सेकेंड है, और आवर जो है वो यहाँ पे आवर्स है, तो उसको मैं थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे लिख देता हूँ, 2700 मिली एम्पेयर आवर, तो 2700 मिली इज 10^-3, एम्पेयर इज कूलम्स पर सेकेंड, और आवर जो है दैट इज ऑल्सो टाइम यूनिट, टाइम टाइम से कैंसिल करते हैं, यू गेट द चार्ज, सो नाउ वी हैव टू चेंज द आवर्स इनटू सेकेंड, सो क्यू इज इक्वल टू 2700 मिली जो लिखा हुआ था मिली मैंने लिख दिया, एम्पेयर को कूलम पर सेकेंड लिख दिया 1 आवर के लिए, तो मुझे पता है कि 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स इन 1 आवर, और या मिनट्स को कैंसिल करना है तो कितने सेकंड्स होते हैं, मुझे सेकंड्स लेके आने हैं तो 60 सेकंड्स होते हैं एक मिनट में, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल, तो आई हैवंट चेंज एनीथिंग, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिखने के बाद मैं इस आवर को आवर से कैंसिल कर देता हूँ, मिनट को मिनट से, सेकंड को सेकंड से, देन इवेंचुअली यू आर मल्टीप्लाइंग विद 3600 और आंसर क्या है कूलम, सो दैट इज शोन हियर, सॉरी यहाँ पे, तो ये 6 पॉइंट, ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ 6.9
8 इंटू 10 इज टू पावर 3 जाउल्स ऑफ एनर्जी इज सॉरी ये है कूलम, 9.73 इंटू 10 इज टू 3 कूलम्स। तो ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, इट्स अ क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। तो अब एनर्जी हमने मालूम करनी है, तो एनर्जी इज वोल्टेज इंटू चार्ज, तो वोल्टेज क्यू वी, तो Q ऑलरेडी मालूम है, इसको V से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे भी V से V गिवन है 7.2 वोल्ट, यू विल गेट एक्चुअली एनर्जी दैट इज द शोन हियर, और ये आपका आंसर है। अब हम इसको मजीद जो जो फर्दर क्वांटिटी है जो एनर्जी से रिलेटेड है वो एक्चुअली पावर है। ये एक सर्किट दिया हुआ, रेस्ट ऑफ द सर्किट है, इसमें से करंट 2 एम्पीयर आ रहा है और ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव है, और इस एलिमेंट को आके इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 एम्पीयर का मतलब 2 कूलम्स एक सेकंड में फ्लो कर रहे हैं थ्रू दिस एलिमेंट। हमने देखना है एनर्जी, अगर हम सो ईच कूलम ऑफ चार्ज लूजेस 3 वोल्ट्स, इस 3 की वजह से वोल्टेज की यूनिट क्या है, 3 जूल्स वर्क डन पर यूनिट चार्ज कूलम, 3 जाउल्स पर कूलम जो है ये 3 वोल्ट का मतलब है कि 3 जाउल यूज हो रहा है, या आप ये कह सकते हैं सप्लाई हो रहा है, या एक्चुअली ये एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है। हम फिलहाल ये देख लेते हैं कि ये इसको हम दे रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। सो द एलिमेंट रिसीव्स एनर्जी एट अ रेट, एनर्जी किस रेट से ये ले रहा है, दैट इज रेट जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज एक्चुअली पावर, किस रेट से आप एनर्जी ले रहे हैं, दैट इज एक्चुअली पावर। और ये हम कैसे मालूम करते हैं, पावर इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और करंट जो है वो चार्ज किस रेट से आप सप्लाई कर रहे हैं, सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज एक्चुअली 3 वोल्ट्स, एंड रेट ऑफ चेंज यानी कूलम्स पर सेकेंड करंट इज एक्चुअली 2 एम्पीयर, दैट इज 6 वाट। सो एवेंचुअली वाट की जो जो पावर की यूनिट है दैट इज एक्चुअली जूल्स पर सेकेंड। हम ये कह सकते हैं कि जो पावर है इस रेट से इत वाट, अब दूसरी यूनिट 6 वाट एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसका मतलब 6 वाट एब्जॉर्ब कर रही है या रिसीव कर रही है, तो जिसका मतलब है कि 6 जूल्स पर सेकेंड जो है वो एनर्जी इस रेट से सप्लाई की जा रही है इस एलिमेंट को। तो अब हम इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ सामने से, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक पावर जो है, यानी पावर की बात, पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी, कि किस रेट से आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। और यूजुअली जब हम बिलिंग करते हैं तो किलो वाट आवर के लिहाज से, यानी दैट इज वी आर कंज्यूमिंग एक्चुअली एनर्जी, किलो वाट इज एक्चुअली पावर एंड आवर इज टाइम। सो हम जो बिलिंग करते हैं 1 किलो वाट आवर, यानी 1 किलो वाट अगर 1 घंटे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो यू आर कंज्यूमिंग 1 किलो वाट आवर एनर्जी। तो वाट की यूनिट क्या है, जाउल्स पर सेकेंड, 1000 जाउल्स पर सेकेंड के रेट से आप 1 घंटे के लिए ये एनर्जी कंज्यूम करें तो आप 1 यूनिट ड्रॉप होता है, और ये जो बिलिंग प्राइस होती है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी की, वो इस ये उसका 1 यूनिट है कि अगर आप 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करें तो यू आपका 1 यूनिट जो है मीटर में ड्रॉप होगा। सो द इलेक्ट्रिक पावर रिसीव बाय द एलिमेंट 6 वाट, हम ये कहेंगे कि अगर ये इसको रिसीव हुआ है तो ये 6 वाट पॉजिटिव, यानी 6 वाट रिसीव होगा। इन जनरल हम क्या कहते हैं, पावर इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। और अगर आपने एनर्जी पावर से मालूम करनी है तो यू हैव टू इंटीग्रेट द पावर टू गेट द एनर्जी, और आप देख रहे हैं ये टी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे पी ऑफ टी के बजाय पी ऑफ एक्स इस्तेमाल किया हुआ, सो पी ऑफ एक्स इज पी ऑफ टी डी टी है, तो डी टी सेकेंड्स, पी इज इन वाट्स, वाट सेकेंड इज एक्चुअली एनर्जी विच इज एक्चुअली जूल्स।
अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो इसने जिसमें हमें छोड़ रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें कैसे मालूम होगा कि पावर, कोई एलिमेंट जो है वो पावर उसको सप्लाई की जा रही है या रिसीव की जा रही है उससे, या कोई एलिमेंट जो है वो एलिमेंट जो पावर है वो डिलीवर कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ये अब्जॉर्ब कर रहा है या सप्लाई डिलीवर कर रहा है या सप्लाई कर रहा है या रिसीव कर रहा है, ये वर्ब्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पैसिव साइन कन्वेंशन की ज़रूरत है। यहाँ तक हमने फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा था, जिसमें जाउल्स और चार्ज और कूलम्स और इन क्वांटिटीज़ को हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब के बाद हम ज़्यादातर जो हमारा फोकस होगा अगले पूरे चैप्टर्स में, उसमें वो थी कम परसेंटेज होगी जिसमें हम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। हम ज़्यादातर वोल्टेज, वाट और एम्पेयर में ज़्यादा क्वांटिटीज कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली अगर कहीं पे एनर्जी मालूम करनी हो तो वी विल डेफिनेटली यूज़ दीज फॉर्मूलाज हियर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्चुअली पैसिव साइन कन्वेंशन।